हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाला है स्ट्रेन गेज लोड सेल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि द स्ट्रेन गेज लोड सेल इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, है ना। क्या है लोड सेल, क्या है स्ट्रेन गेज? इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर विच ट्रांसलेट चेंज इन फोर्स इंटू चेंज इन वोल्टेज, है ना। ट्रांसलेट चेंज इन फोर्स इंटू द चेंज इन वोल्टेज, राइट। नाउ अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्किंग प्रिंसिपल में दिया गया है कि व्हेन अ स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी फोर्स ऑन यूनिट एरिया, है ना। जैसे कि हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी बाई ए, राइट। और वी कैन से एफ बाई ए ऑल्सो, राइट। सो व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट गेट्स डिफॉर्म। जब भी हम सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ ये सरफेस पे रखा हुआ है, जब भी हम फोर्स और लोड अप्लाई करेंगे ना, तो ये बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफॉर्म, लेकिन होता है, राइट। सो इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है ना कि इट गेट्स डिफॉर्म, स्ट्रेन एंड दिस डिफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द अप्लाइड स्ट्रेस और फोर्स, उसके रिलेटेड बोल सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना, उसमें हम पढ़ चुके हैं। देन द रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कंडक्टर, राइट। द रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कंडक्टर एंड स्ट्रेन गेज, है ना, उसको हम स्ट्रेन गेज बोलते हैं। दैट चेंज इज वैन इट इज स्ट्रेन, तो भी रेजिस्टेंस होगा वायर का, वो भी मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, राइट, ड्यू टू लोड और वी कैन से सम एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, राइट। सो बाद में दिया कि द चेंज इन द रेजिस्टेंस हैव डिफाइनेट रिलेशंस विद द स्ट्रेन और द अप्लाइड फोर्स, है ना। सो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ज़्यादातर मतलब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें ज़्यादातर आते हैं, है ना। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट का हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसकी वजह से, राइट। सो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, राइट। चलो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि अ स्ट्रेन गेज लोड सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टील सिलेंडर विच हैज़ फोर आइडेंटिकल स्ट्रेन गेजेस, है ना। जैसे कि वायर ग्रिड हम बोल सकते हैं इजिली, राइट। सो द स्ट्रेन गेजेस इज बाउंडेड टू स्टील सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, राइट। द स्ट्रेन गेज आर वन एंड आर फोर, एक मिनट, हमें यहाँ पे फिगर दिया गया है ना, उसके अंदर दिया गया है। ये देखो ये क्या है हमारे पास, आर वन है, ये आर थ्री, आर टू एंड आर फोर, है ना सर जी। तो ये वेस्टर्न रेंज में भी दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया, आर वन आर टू आर आर थ्री आर फोर, राइट।
So the strain gauges R1 and R4 are along the direction of applied load, and the strain gauges R2 and R3 are attached to the circumferential at right angle to strain gauge R1 and R4. देखो, है ना? ये R3 इसके साथ, ये R2 इसके साथ, ये R1 R4 ऐसे है, ठीक? वही चीज़ दिखाया गया है ना? Clear? So these four strain gauges are connected electrically. These four strain gauges are connected electrically to the four lines of a Wheaton bridge circuit, right? Now in the no load condition all the four gauges resistance are same, right? In the load condition all the four gauges resistance are same, and hence the Wheaton bridge circuit in balance conditions, है ना? Wheaton bridge जो है मतलब वो balance condition में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, right? So no output on the indicator. इसका जो क्या होगा, जो कुछ output मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, right? So when compressive load is applied, the vertical gauge R1 and R4, जो वर्टिकल जो हमें फिगर में देखा ना, ये वाला हमें फिगर दिया गया है ना, इसमें हमने देखा, राइट? सो द वर्टिकल गेजेस R1 एंड R4 अंडरगो कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन यानी नेगेटिव रहता है और टेंसाइल यानी पॉजिटिव रहता है. तो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा शायद, है ना? सपोज ये है तो ये क्या होगा, कंप्रेसिव, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा. सपोज ये टेंसाइल है, ये बॉडी को खींच रहा है ना, है ना, तो ये हो जाएगा मतलब टेंसाइल, यानी उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो देयरफॉर क्या होगा कि द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, राइट? रेजिस्टेंस मतलब डिक्रीज होगा, है ना, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, डिक्रीज होगा ना, राइट? So the circumferential gauges, ये circular form में है ना, इसकी वजह से उसको circumferential बोला जाता है, right? So circumferential gauges R2 and R3 undergo tension, मतलब tension में जो रहेगा वो उसको हम positive strain लेंगे. दूसरा जो हमने R1 और R4 जो लिया है उसको हम compression के form में लेंगे, right? Compression यानी negative, tension यानी positive, तो टेंशन के लिए मतलब पॉजिटिव. सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना? और R1 और R4 में क्या था, घट गया, है ना, कम हो गया, राइट? नाउ द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज कॉजेज unbalance of Wheaton bridge circuit and hence it produce output which is proportional to the applied torque, applied force, we can say that, right? देखो यहाँ पे मतलब फिगर में ऐसा दिखाया गया है, है ना, कि ये लोड है, मतलब ये स्टील सिलेंडर है, ये स्ट्रेन गेज, ये R1 R4 है, ये फिगर भी दिखाया गया है, वोल्टेज है बीच में, हाँ, सप्लाई दिया हुआ है, राइट? तो ये चीज़ होती है. नाउ बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में. तो एडवांटेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि इट इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, छोटा है एंड कॉम्पैक्ट भी है, है ना? देन
इट फास्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट लोड वेरिएशन. कुछ भी मतलब लोड वेरिएशन आएगा ना तो उस पर मतलब फास्ट इंडिकेट हो जाता है, रिस्पॉन्स तुरंत दे देता है. राइट, देयर वी कैन से दैट. देन इट इज़ वेरी सूटेबल टू मेजर ट्रांजिएंट एंड नॉन स्टेडी फोर्स. राइट, एंड इट कैन बी मेजर्ड, है ना, इट कैन बी मेजर्ड कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल लोड. कंप्रेसिव भी होगा एंड टेंसाइल भी हम मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज स्ट्रेन गेज लोड सेल. राइट, अब बात करते हैं एलवेलिटी के बारे में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. सो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर लोड सेल एलवेलिटी. इन दिस टाइप लोड सेल द लोड और फोर्स इन कन्वर्टेड, राइट, लोड और फोर्स इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर. मतलब उसका हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डायफ्राम. राइट, सो दैट कॉल प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड देन द डिस्प्लेसमेंट इज सेंस बाय एलवीडीटी. जो भी सेंस कर लेगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. राइट, समझ में आया. सो विच रिप्रेजेंट वोल्टेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑन डायफ्राम एज शोन इन द फिगर. राइट, सो दिस डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टेटिक एज वेल एज डायनेमिक फोर्स मेजरमेंट. स्टेटिक भी मेजर करेगा और डायनेमिक फोर्स भी मेजर करेगा. राइट, सो द प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन. राइट, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, है ना, यहाँ पे मतलब फिगर दिया गया है, उसमें दिया है. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मतलब ये नॉन मैग्नेटिक ट्यूब जो है दिया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग इधर दिया गया है. राइट, और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है. राइट, देन ये हमारा अगेन सेकेंडरी वाइंडिंग. तो बीच में क्या रखा हुआ है, आर्मेचर कोर, है ना, ये भी मतलब हमारा सेकेंडरी, ये भी मतलब हमारा सेकेंडरी है, लेकिन ये क्या है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग. तो डिस्प्लेसमेंट होके ये पूरा आर्म दिया हुआ है ना, आर्म के वजह से मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, दोनों साइड पे होगा ना ऐसे. राइट, तो यहाँ पे क्योंकि कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दोनों अप्लाइंग होते हैं, यहाँ पे ये इलास्टिक मतलब डायफ्राम दिया गया है. समझ में आ रहा है ना, क्या बताया कि इन दिस टाइप ऑफ लोड सेल द लोड और फोर्स इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेस. ये जो है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है ना, वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे. समझ में आ रहा है, बाय द मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, तो उसको हम इलास्टिक डायफ्राम भी बोल सकते हैं. एंड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड देन द डिस्प्लेसमेंट इज सेंस बाय एलवीडीटी, है ना, एलवीडी यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. राइट, सो दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर स्टेटिक एज वेल एज डायनेमिक फोर्स मेजरमेंट. स्टेटिक भी मेजर कर सकता है और डायनेमिक भी रहेगा, उसको भी इजीली वो मेजर कर पाता है. राइट, सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी इज ऑलरेडी डिस्कशन इन सेक्शन 1.11 में. राइट, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. ये फिगर आपको समझ में, स्ट्रेन गेज वाला क्या दिया गया है इसमें, है ना, ये मतलब ये सर्कुलर है ना, ये मतलब ये ऐसे दिया गया है, तो उसका मतलब ये वेस्टर्न रिज में बताया है ऐसे,
ये आर वन आर टू आर थ्री यहाँ पर दिया, आर फोर यहाँ पर, क्योंकि ये एक लाइन में आ जाए और ये भी एक लाइन में आना चाहिए राइट। तो ये हमारा मतलब ए वी आउटपुट हो गया, वी ज़ीरो यू कैन से दैट। और यहाँ पर मतलब सप्लाई दिया गया है ना, यहाँ पे बैटरी सप्लाई भी दिया गया है राइट। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग राइट। ओके थैंक यू।